गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मार्कल स्वामी जो ग्रुप लेक्चरर स्टूडेंट वर्क ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए प्रथम वर्ष में जो हमारा सब्जेक्ट है राजस्थान का भूगोल, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के उद्योग। जो राजस्थान के उद्योग है, हमने पिछली कक्षा में राजस्थान के उद्योग के बारे में पढ़े कि राजस्थान में उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी सामान्य परिभाषा और उनके प्रकार पढ़े। अब आगे इसी क्लास में आगे उन पर और विस्तार से चर्चा करते हैं। हमने पिछली क्लास में सूक्ष्म लघु उद्योग, एमएसएमई ये सब पढ़े, उद्योग की नीतियां पढ़ी। अब हमें यहां पर उद्योग पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा कि कच्चे माल की उपलब्धता पर कौन कौन से उद्योग। कच्चे माल की उपलब्धता, जो कच्चे माल पर है, जैसे मान लो कच्चे माल में जो कृषि आधारित हो गया, खनिज आधारित हो गया, ये सब रासायनिक सब मतलब कच्चे माल से कौन कौन से उद्योग तैयार होते हैं, कौन कौन से क्या होते हैं, तो यहां पे देखते हैं कच्चे माल से कौन कौन से उद्योग। नंबर एक पे ले लो इसमें कृषि आधारित उद्योग, नंबर दो पे ले लो खनिज आधारित उद्योग, इसी के साथ नंबर तीन में ले लो रसायन आधारित उद्योग। अब देखो ये तीन प्रकार के जो कच्चे माल की उपलब्धता पर उद्योग है, नंबर एक पे कृषि आधारित उद्योग हो गया, खनिज आधारित उद्योग हो गया और रसायन आधारित उद्योग। जो देखो कृषि आधारित उद्योग है, इस पर जैसे सूती वस्त्र हुआ, चीनी उद्योग हुआ, ये सब कृषि पर है। खनिज में ग्रेनाइट, संगमरमर, मार्बल, पत्थर सब इसमें आ जाते हैं। रसायन में केमिकल पदार्थ सब इसमें आते हैं। अगली कोई इसमें कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, मिल्क पाउडर उद्योग, बायोडीजल, अब ये उद्योग है, ये सब कृषि के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग हुआ, ये शहतूत के रेशम के कीड़ों से पैदा होता है सूती वस्त्र। चीनी उद्योग जो गन्ना और चुकंदर से बनाने में काम आता है। वनस्पति घी जो मतलब अपने तेल से बनता है, जिसमें सरसों का, सोयाबीन का, सबका तेल उसे। मिल्क पाउडर उद्योग, मिल्क पाउडर यानी ये भी कृषि में आ गया, यानी जो दूध है दूध का मिल्क पाउडर बनता है। बायोडीजल जो हो के पौधा से डीजल निकलता है, वो बायोडीजल कृषि के ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे देखो इसमें खनिज आधारित उद्योग में
नंबर एक पे ले लो सीमेंट दो, आगे सीमेंट के आगे कांच दो, कांच दो के आगे हैं रत्न आभूषण उद्योग, इसके आगे हैं मोटी उद्योग, इसके आगे हैं संगमरमर उद्योग, अब ये सब है, ये उद्योग किसका खनिज पर सीमेंट उद्योग खनिज पर यानी चूना पत्थर सीमेंट बनती है, कांच उद्योग ये भी खानों से निकलता है, रत्न आभूषण सोना चांदी सब खानों से, मूर्ति उद्योग है और संगमरमर उद्योग है, आगे देखते हैं इसमें रसायन उद्योग में। जैसे रसायन उद्योग में नमक उद्योग हुए है एक अपना, नमक उद्योग के आगे अपना है रासायनिक उर्वरक उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग नंबर तीन पे आगे है, टायर ट्यूब उद्योग, ये आपके मुख्यतः कच्चे माल की उपलब्धता पर, कच्चे माल की उपलब्धता पर तीन प्रकार के उद्योग बताए यहां पर। पहला उद्योग हो गया कच्चे आधारित उद्योग, नंबर दो पे खनिज आधारित उद्योग और नंबर तीन पे रसायन आधारित उद्योग। जो कच्चे आधारित है उसमें सूती चीनी वनस्पति मिल्क पाउडर और बायोडीजल हो गया, खनिज में सीमेंट है कांच है रत्न आभूषण है मोटी उद्योग है, और रसायन के अंदर नमक उद्योग हो गया रासायनिक उर्वरक उद्योग और टाइट ट्यूब का उद्योग। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि टाइट ट्यूब का उद्योग किस उद्योग के अंदर शामिल है, तो टाइट ट्यूब उद्योग यानी किसमें है रसायन आधारित उद्योग के अंदर ये शामिल है, आगे देखते हैं इसी हिसाब में आगे बढ़ते हैं। अब ये भी दिया यहां पर अभी के बारे में एक एक, जैसे कृषि आधारित उद्योग में सूती चीनी वनस्पति मिल्क पाउडर सब लिख दिया, ये सब में ये खनिज में लिख दिया रसायन लिख दिया, अभी एक एक की विस्तार से चर्चा करते हैं हम आगे इसमें लेते हैं। जैसे कृषि आधारित उद्योग उसमें ले लो पहला टॉपिक है अपना मिल्क पाउडर उद्योग, राजस्थान में मिल्क पाउडर का बनाने का प्रथम कारखाना, बनाने का प्रथम कारखाना की स्थापना ग्यारह जुलाई 2011 को एक रोग फुटे एक रोग फुट पार, जो एक रोग फुट पार्क है वो है कोटा में, कोटा में ये हो गया।
गया मिल्क पाउडर किसमें आधारित है, कृषि आधारित उद्योग है। इसमें मिल्क पाउडर में कि राजस्थान में मिल्क पाउडर बनाने का प्रथम कारखाना यानी पहला कारखाना की स्थापना 11 जुलाई 2011 को किसके द्वारा, जो एग्रो फूड पार्क है ये है अपना कोटा के अंदर से में की गई। ये हो गया मिल्क पाउडर का। अब आगे इसी के साथ मेरे चलते हैं नंबर दो पे, वनस्पति घी। वनस्पति घी उद्योग और वनस्पति घी का उद्योग है जो भीलवाड़ा में सर्वप्रथम 1964 में हुआ है। इसके बारे में लिखते हैं बोली को राजस्थान में वनस्पति घी बनाने का प्रथम कारखाना की स्थापना 1964 में भीलवाड़ा भीलवाड़ा में की गई। ये वनस्पति घी का उद्योग है। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वनस्पति घी बनाने का प्रथम कारखाना की स्थापना 1964 में कहां की गई, भीलवाड़ा में। जो कंपटीशन एग्जाम लगता है उसी के अंदर कोई सा भी मतलब कई एग्जाम में पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन कि वनस्पति घी उद्योग भीलवाड़ा की स्थापना किस सन में की गई, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 1964। तो इसको एग्जाम की तरफ से थोड़ा मोस्ट कर लो। इसी साथ आगे चलते हैं अब पहला कारखाना 1964 में भीलवाड़ा खुल गया, लेकिन इसके वर्तमान में कितने 6 कारखाने मोस्ट है, तो जयपुर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, लिपो इसमें वनस्पति के कारखाने वर्तमान में राजस्थान में वनस्पति के वनस्पति घी बनाने के कारखाने राजस्थान वर्तमान में राजस्थान में वनस्पति घी बनाने के कारखाने मुख्य तो देखो कितने हैं, 6 है। जो निजी क्षेत्र में छह कारखानों की भीलवाड़ा चित्तौड़ भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और जयपुर वर्तमान में वनस्पति घी बनाने के जो निजी क्षेत्र के कारखाने हैं वो 6 है, जिन भीलवाड़ा में है, चित्तौड़गढ़ में है और जयपुर में। भीलवाड़ा में 4 है, एक चित्तौड़ में है और एक जयपुर में है। आगे चलो
इसी के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है चीनी उद्योग, मिले पाउडर उद्योग हो गया, वनस्पति घी उद्योग हो गया, अब नेक्स्ट आता है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग, चीनी को सब जानते हैं, हर घर में यूज आती है। कि चीनी किससे बनती है? चीनी गन्ने या चुकंदर से बनाई जाती है। चीनी गन्ना या चुकंदर से बनाई जाती है और इसकी गंगानगर में प्रथम को लगाई थी मिल, वहां पे तो देखो चीनी उद्योग में राजस्थान में चीनी उद्योग राजस्थान में चीनी उद्योग कृषि उद्योग पर राजस्थान में चीनी उद्योग कृषि आधारित कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। चीनी उद्योग किस पर? कृषि पर निर्भर है और ये दूसरे नंबर पर है, और प्रथम नंबर पर देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग है, वो भी आगे बढ़ेंगे। अब राजस्थान में चीनी बनाने प्रथम कारखाने की स्थापना निजी क्षेत्र में राजस्थान में निजी क्षेत्र में 1932 में जो शुगर मिल थी मेवाड़ शुगर मिल जिसको भोपाल सागर भी कहते थे, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ की गई। राजस्थान में चीनी उद्योग कृषि उद्योग पर आधारित है, दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। जो राजस्थान में चीनी बनाने के प्रथम कारखाने की स्थापना जो निजी क्षेत्र में यानी खुद के स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र में कौन से सन में 1932 में कौन सी मेवाड़ शुगर मिल या भोपाल सागर मिल जो कहा है चित्तौड़गढ़ में की गई थी। आगे देखते हैं ये प्रथम हो गए जो 1932 में है, अब आगे और दूसरी मिल चीनी की देखते हैं। सन 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र दी गंगानगर शुगर मिल जो कहा है गंगानगर में गंगानगर
की स्थापना की गई। नंबर एक मेल 1932 में और दूसरी मेल सन 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र यानी सभी की कौन सी थी, उसका नाम था दी गंगानगर शुगर मेल, जो कहा है गंगानगर में इसकी स्थापना। अभी आपके क्वेश्चन आता है कि दी गंगानगर शुगर मेल गंगानगर की स्थापना किस सन में की गई, तो आंसर होगा आपका 1956 यानी 1956। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सन 1965 में सहकारी क्षेत्र में केशवरायपाटन केशवरायपाटन शुगर मिल जो ये कहा है केशवरायपाटन बूंदी में बूंदी की स्थापना की गई। यह आपकी मुख्य मुख्य तीन मिलियन हो गई, पहली मिल सन 1932 में, दूसरी 56 में और तीसरी 1965 में। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन हो रहा था है कि चुकंदर से चीनी बनाने का काम कब शुरू हुआ, तो वो 1968 में शुरू हुआ था। वो क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में पूछा था उसको, जो रिट का एग्जाम लगा था उसमें पूछे थे कि चुकंदर से चीनी बनाने का काम किस सन में शुरू हुआ, देखते उसको आगे। सन 1968 में दी गंगानगर शुगर मिल में चुकंदर से चीनी बनाने का एशिया में एशिया का पहला सेंटर स्थापित किया गया। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सन 1968 में दी गंगानगर शुगर मिल में चुकंदर से चीनी बनाने का एशिया का पहला कारखाना यानी एशिया महाद्वीप का पहला संयंत्र स्थापित किया गया। कौन से सन में किया गया, 1968 में। कौन सी मिल थी, दी गंगानगर शुगर मिल में किसे चीनी बनाने का काम किया गया, चुकंदर से चीनी बनाने का काम। आगे देखते हैं। इसी के साथ साथ जो ये गंगानगर शुगर मिल है इसमें जो शराब बनती है शराब भी इसी मिल में बनती है। अब चीनी बनना बंद हो गई, लिखो उसके बारे में, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे। 1968 में दी गंगानगर शुगर मिल में
गंगानगर सुगरवीर सुगर मिल में शराब बनाने के प्रथम सुगर प्रथम कारखाने की स्थापना की गई। वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक शराब बनाने के कारखाने अलवर में है। इस कारण अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड सन 1968 में गंगानगर सुगर मिल में चुकंदर से चीनी बनाने का काम शुरू हुआ और इसी सन में यानी 1968 में गंगानगर सुगर मिल में शराब बनाने के प्रथम कारखाने की स्थापना इसी सन में की गई थी, जो वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक शराब बनाने के कारखाने अलवर जिले में है। तो इस कारण से अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। अब यह आपके क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं, तो अलवर जिले को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान में गन्ना उत्पादन के बावजूद राजस्थान में गन्ना उत्पादन के बावजूद चीनी उद्योग को बढ़ावा नहीं मिला, मतलब राजस्थान में इतने लोग होने के बाद भी इतनी कम चीनी कैसी है, तो राजस्थान में गन्ना उत्पादन के बावजूद चीनी उद्योग को बढ़ावा नहीं मिला। इसका प्रमुख कारण गन्ना गन्ना ये क्या है, उष्णकटिबंधीय पौधा है। गन्ना उष्ण कटिबंधीय पौधा है। जबकि राजस्थान का अधिकांश
जबकि राजस्थान का अधिकांश भाग कुपोषण कटिबंध में स्थित है। ये देखो कि राजस्थान में गन्ना उत्पादन, खूब गन्ना उत्पादन के बावजूद भी चीनी उद्योग को बढ़ावा नहीं मिला। इसका प्रमुख कारण क्या है कि गन्ना एक क्या है, उष्ण कटिबंधीय पौधा है, लेकिन राजस्थान की अधिकांश भाग कौन सा है, उपोषण कटिबंध में स्थित है। इस कारण से राजस्थान में गन्ने का उत्पादन चीनी से, चीनी कम होती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक चलेगा सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग, जो ये हम नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेज में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।